नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे 15 सेकंड में खबर के साथ। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू। जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम। स्टेशन पर रेलवे अफसरों से भी टीम ने की बातचीत। यूपी के गोंडा पहुंची यौन शोषण मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम। ब्रजभूषण सिंह के 12 करीबियों से हो रही पूछताछ। मामले में अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज। ग्वालियर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। शिवराज सरकार के कामकाज की तारीफ की। विपक्षी एकता पर उठे सवाल। दमोह डीईओ स्याही फेंकने मामले से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया किनारा। कहा घटना के संबंध में कानून कराए कार्रवाई। दोषियों को मिलेगी सजा। बालासोर ट्रेन हादसे पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा इंटरलॉकिंग सिग्नल से फॉल्ट की वजह का खुलासा। रेल अधिकारी ने सरकार को फरवरी में दी थी इंटरलॉकिंग फॉल्ट की जानकारी। शिवराज कैबिनेट की कल अनौपचारिक बैठक। सीएम हाउस में होगी मंत्रियों के साथ बैठक। लाडली बहना योजना को लेकर हो सकती है चर्चा। 10 जून को महिलाओं के खाते में आएगी राशि। बीजेपी नेता शैतान सिंह के सामने कांग्रेस का गुणगान। सामाजिक कार्यकर्ता ने किया गुणगान। कार्यकर्ता को सुन बीजेपी नेता रह गए वाक। बीजेपी ने बताया कांग्रेस विचारधारा का आदमी। कूनो पहुंचे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह। वन विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। चीतों की मौत पर नहीं दिया कोई बयान। सीहोर में खुले बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची। सूचना के बाद रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची। कलेक्टर एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। व्यापम केस में सजा का ऐलान। कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में सिलेक्ट हुआ था देवेंद्र रघुवंशी। जबलपुर नगर निगम की घोर लापरवाही। पेंशन के लिए 4 साल से भटक रहा बुजुर्ग। हार कर जनसुनवाई में पहुंचा बुजुर्ग। अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। छतरपुर में दलित दूल्हे की बारात पर हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हुआ पथराव। पुलिस ने 50 के खिलाफ दर्ज किया मामला। देवास में गबन करने वाले पटवारियों पर गिरी गाज। कलेक्टर ने 7 पटवारियों को किया निलंबित। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। खंडवा में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म। छात्रा ने जहर पीकर दी जान देने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कल से 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में करेंगे बैठक। बूथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शाम को पहुंचेंगी रायपुर। चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज। बोले चुनाव आते ही बीजेपी की सियासत और दौरे हुए एक्टिव। कर्नाटक चुनाव जैसा होगा हाल। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज। कहा जो भी लोग बीजेपी में गए वो किसी पार्टी में थे। नुकसान हमें नहीं बीजेपी को होगा। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच पहुंच रहे। बता रहे मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां।